द कश्मीर फाइल्स को अपने शो में प्रमोट करने से किया इनकार। 11 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। विवादों में घिरा कपिल शर्मा का कॉमेडी शो। कपिल शर्मा ने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की 11 मार्च को रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अपने शो पर प्रमोट करने से इनकार कर दिया। कश्मीरी पंडितों पर बनी विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से लोगों के बीच हेडलाइंस बनी हुई हैं। विवेक अग्निहोत्री ने इस बारे में ट्वीट भी किया, जिसके बाद ट्विटर पर बहुचर्चित कपिल शर्मा शो को बायकॉट करने की मुहिम से छुट गई है। इसी वजह से जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा लोगों के निशाने पर आ गए हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। बता दें कि कपिल शर्मा का कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो टेलीविजन का सबसे चर्चित शो है। ये हर किसी को पता है कि शो में भोजपुरी स्टार से लेकर ओटीटी पर नजर आने वाले स्टार अपनी फिल्म और वेब सीरीज को प्रमोट करने आते हैं। लेकिन अब कपिल शर्मा पर कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म को अपने शो पर प्रमोट न करने का आरोप लगा है। इसी वजह से ये शो अब विवादों में आ गया। बॉलीवुड की लगभग हर फिल्म को इस शो पर प्रमोट किया जाता है, न केवल दर्शक बल्कि बॉलीवुड हस्तियों का भी ये पसंदीदा शो है। लेकिन हाल ही में कपिल शर्मा का ये शो गलत कारणों से चर्चाओं में है। वजह की बात की जाए तो जानकारी मिली है कि बड़े कमर्शियल स्टार नहीं होने की वजह से द कपिल शर्मा शो ने उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से इनकार कर दिया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बात की जाए तो फिल्म की कहानी 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी निर्मम हत्याओं के बारे में है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, अनुपम खेर, पुनी तेसर, मृणाल कुलकर्णी, अतुल श्रीवास्तव और पृथ्वीराज सरनाइक जैसे कलाकारों ने काम किया है। यह 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। 2 घंटे 50 मिनट की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने भी 7 बदलावों के साथ ए सर्टिफिकेट दिया। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता इस फिल्म को कितना प्यार देती है और कपिल शर्मा शो को फर्श पर लाती है। नवभारत समाचार से पंकज तिवारी की रिपोर्ट। सर, अभी ये कहना चाहूँगा कि इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का, ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है और ख़ास कर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4,00,000-5,00,000 लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म की जो निर्देशक है, हमें से कुछ अलग करने की कोशिश करते, पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा क्रेज फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज फाउंड हिज निश, ही हैज फाउंड हिज ट्रूथ, एंड दैट्स वेरी 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 पावरफुल। यू सी, जस्ट बिकॉज आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा, उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा कर रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या, अगर ना हुआ तो। और एक बात जानना चाहूँगी, जिस
तरह से आपने ये कश्मीर फाइल पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हो सकती है, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया, पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑफ ह्यूमन काइंड ऑफ वर्ल्ड टुडे, और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है, और धीरे 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 करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जाने गई हैं, सरदारों को, अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज टेररिज्म। मैं पूरी कश्मीर, द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम, इससे जुड़े इसके सारे फैंस, इसके समर्थक, उन सबके बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म 2018 में बननी शुरू हुई थी और अब 2022 में ये रिलीज़ हो रही है। इसमें 4 साल की कड़ी मेहनत का रिसर्च है। कड़ी मेहनत जब लोग कहते हैं तो वो कड़ी मेहनत से मतलब होता है शूटिंग कैसे की, कैसे फिल्म बनी, लेकिन इसमें शूटिंग तो सबसे आखिर में हुई और वो इसका सबसे छोटा हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ तो शूटिंग तो शायद 10% हिस्सा है इसका। पूरी फिल्म की जो यात्रा है ये बड़ी अजीबोगरीब है और बिल्कुल अलग है। चूँकि सिर्फ ये फिल्म है, आप थिएटर में देखने वाले हैं, इसलिए इसको सिर्फ फिल्म समझ लेना कि ये बॉलीवुड की एक और फिल्म आई है, वो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। ये एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी, आज़ाद भारत का एक ऐसा कलंक जिसके सत्य को आज तक किसी ने भी फिल्मी पर्दे पे लाने का प्रयत्न भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये प्रयत्न क्यों किया। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुआ था, मैंने सोचा था मेरा सपना एक दिन मैं कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगा। लेकिन जब पल्लवी जी और हम लोगों ने तय किया कि हम अपने प्रोडक्शन में उस तरह की कहानियां बनाएंगे जिनको जनरली और कोई बनाता नहीं है, और भारत की कहानियां जो कॉम्प्लेक्स कहानियां जिन्हें बनाने से लोग डरते हैं, जिनके लिए पैसे नहीं मिलते या जिनको रिलीज़ करने में समस्या जाती है, उसका कारण ये था कि सब लोग डर के मारे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बताते नहीं हैं। आपके जम्मू के ही इतने सारे इश्यूज हैं, डोगरा कम्युनिटी के ऊपर आपने आज तक कोई फिल्म देखी है? जब शौर्य की बात चलती है तो आप देखेंगे जनरली हम लोग सिर्फ राजस्थान के बाहर ही नहीं निकलते, पर डोगरा कम्युनिटी का जो सेक्रीफाइस है, उनका जो एक योगदान है, जो उनकी कुर्बानी है, और वो छोड़ी, और आज के वक्त में भी जब जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो बम्बई में सब लोग ये पूछते हैं कि जम्मू में अभी जा रहे हो बर्फ़ बहुत होगी। लोगों को ये तक नहीं पता है कि जम्मू में बर्फ़ नहीं गिरती है, कश्मीर में गिरती है, और उसका कारण ये है कि हमारी फिल्मों और मीडिया ने हमेशा ऐसा कुछ एक जनरलाइजेशन किया है। तो उसको तोड़ने के लिए कश्मीर में 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था, जिसको नरसंहार बोलते हैं, ये फिल्म उसका सत्य है, जो कि पूरे विश्व में जितने भी उस नरसंहार के पीड़ित लोग फैले हुए हैं, उन सब लोगों के इंटरव्यूज़ वीडियो पर रिकॉर्ड करके जम्मू शहर में जो पुराने डिविजनल कमिश्नर्स हैं या जो पुलिस के चीफ हुआ करते थे या पुलिस में उस वक्त थे, कल आए भी थे कुछ लोग स्क्रीनिंग में, आपने देखा होगा, उन सब लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू करके, जिसमें कल आपने DCP साहब आए थे, DGP आए थे, उनसे, बकाया साहब, जगमोहन साहब, ऐसा कोई नहीं है इधर इस पक्ष का भी उस पक्ष का भी। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है पीड़ित, उनके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, हिस्टोरियंस के, जो लोग इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनके, उसके अलावा कश्मीर वैली में जो आज के कश्मीरी मुस्लिम यंग लड़के लड़कियां हैं, उन सबके यूथ के, उन सबसे लंबे लंबे
वीडियो साक्षात्कार करने के बाद इस फिल्म में जो असली सच था उसको एक तार में पिरोया गया है, ये वो फिल्म है। उसके बाद ये फिल्म जब रिलीज करने की बात आई, कोविड का भी वक्त चल रहा था, तो इसको अमेरिका में 2019 में जब 370 हटाया गया था, तो उस वक्त अमेरिका में एक फ्री कश्मीर की कैंपेन चली थी और उसकी वहाँ पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। तब हमने तय किया कि इस फिल्म को कश्मीर अमेरिका में दिखाना ज़रूरी है, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म को देखने के बाद पहली बार